जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सिंगर जब कोई गाना गाता है तो कभी हाई पिच में गाना गाता है, कभी लो पिच में गाना गाता है। यहाँ पर पिच जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है फ्रिक्वेंसी से। हाई पिच का मतलब है कि जो साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई है, लो पिच का मतलब है कि उस साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो लो है। तो अगर वो गाना जो है एक फ्रिक्वेंसी के रेंज में गा रहा है, मतलब उसकी जो साउंड है उसकी एक फ्रिक्वेंसी नहीं है बल्कि खूब सारी फ्रिक्वेंसीज का रेंज है वो, है ना। तो उसी तरह से जब उस साउंड को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे तो उस सिग्नल का भी अपना फ्रिक्वेंसी का रेंज आएगा। तो फ्रिक्वेंसी का जो रेंज होता है उसी को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं, है ना। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि जो सिग्नल में हमने कन्वर्ट किया है उस सिग्नल का मिनिमम फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसको बैंडविड्थ कहा जाता है, है ना। तो जो भी सिग्नल है उसके बैंडविड्थ का मतलब है इट इज डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। जैसे बात करें एनालॉग सिग्नल की, तो एनालॉग सिग्नल में जो है कंटिन्यूअस ग्राफ होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो खूब सारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जैसे हम बात करें टेलीफोनिक सिग्नल की, अगर हम लोग टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो हमारा जो साउंड है साउंड की फ्रीक्वेंसी कई सारी हो सकती है। जब उसको जो ट्रांसड्यूसर है जब उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की भी खूब सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे टेलीफोनिक सिस्टम की बात करें जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 हर्ट्ज से लेकर के 3100 हर्ट्ज तक वेरी करता है ना। तो ये जो दो, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया एक्चुअली में और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इनका जो डिफरेंस निकालेंगे उसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। बैंड विड्थ इज इक्वल टू 3100 हर्ट्ज माइनस 300 हर्ट्ज इज इक्वल टू 2800 हर्ट्ज। तो आप देखेंगे जैसे टेलीफोनिक सिग्नल्स होते हैं उनके लिए बैंडविड्थ होता है 2800 हर्ट्ज। म्यूजिक सिग्नल है ना, तो म्यूजिक जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो अगर उसको अगर सिग्नल में कन्वर्ट किया गया तो उसका बैंडविड्थ होना चाहिए 20,000 हर्ट्ज, है ना। अगर कोई पिक्चर सिग्नल है या वीडियो सिग्नल है तो उसका जो बैंडविड्थ होता है वो 4.2 मेगा हर्ट्ज होता है, यानी फ्रिक्वेंसी का ये रेंज है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें टीवी सिग्नल की, तो टीवी में पिक्चर भी जाता है वीडियोज भी जाते हैं, तो उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी का रेंज है या जो बैंडविड्थ है वो होता है 6 मेगा हर्ट्ज का, है ना। तो ये तो बात हो गया एनालॉग सिग्नल का। उसी तरह से डिजिटल सिग्नल होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं डिजिटल सिग्नल का जो शेप होता है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर ग्राफ है इसको भी माना जा सकता है कि बहुत सारे सिनुसाइडल जो वेव्स होते हैं उनका सुपर पोजिशन से ये बना है। जैसे मैं एक वेव ड्रॉ करता हूं, ये हो सकता है एक वेव, ये हो गया, और ऐसा माना जा सकता है एक ये वे, ये हो गया, है ना। उसी तरह से कई सारे, ये तो हो गए, दो हो गए, और भी बनाया जा सकता है यहां पर ऐसे फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं। तो देखेंगे कि जैसे ये बड़ा वाला था इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी मान लिया एफ नॉट फ्रीक्वेंसी है, और फिर ये एक वेव हमने बनाया इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसके बराबर ही है, जो डिजिटल सिग्नल है उसके बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ नॉट कहेंगे। और एक दूसरा सिग्नल है जैसे ये वाला हुआ, है ना, ये वाला हो गया, ठीक है, उसी तरह से। तो ये जो है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैं बताऊंगा एफ नॉट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2f नॉट डबल हो जाएगी, जितनी देर में ये आधा ऑसिलेशन कर रहा है उतनी देर में ये पूरा ऑसिलेशन कर रहा है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2f नॉट हो जाएगी। वैसे ही और एक सिग्नल लिया जा सकता है जो है इनका फंडामेंटल वाले का 3 गुना फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है वो, है ना, तो 3f नॉट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भी हो सकता है। मतलब ये माना जा सकता है कि खूब सारी फ्रीक्वेंसी का
जो वेव्स हो सकते हैं साइनसॉइडल, उनको सुपरपोजिशन से ये रेक्टेंगुलर वेव बना हुआ है ना। तो अब ये जो है, एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, फंडामेंटल का मतलब यहां पर है जो डिजिटल सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, है ना। और ये जो साइनसॉइडल वेव्स ले रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, इस तरह से रखते जाएंगे। जितना हायर हार्मोनिक्स रखेंगे उतना ज्यादा जो है उनका वेव फॉर्म इस रेक्टेंगुलर वाले से मैच करेगा, और हमें रेक्टेंगुलर वाले से मैच कराना होता है जिससे कि जो जब जब इस सिग्नल को हमें जब वापस एक्सट्रैक्ट करना होगा तो इस रेक्टेंगुलर जैसा ही वो निकले, है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक ये भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी डिजिटल सिग्नल के लिए जो बैंड विड्थ है वो एक्चुअली में इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये जब प्रैक्टिकल यूज में आता है तो इनफाइनाइट बैंड विड्थ नहीं रखा जाता है, कुछ फिक्स्ड हार्मोनिक्स तक, जैसे 10-12 हार्मोनिक्स हो गया या 1000 हार्मोनिक्स हो गया, इससे ज्यादा नहीं रखा जाता। कुछ हार्मोनिक्स को इंक्लूड कर लिया जाता है तो एक लिमिटेड जो है इसकी बैंडविड्थ होती है, जबकि एक्चुअली में देखा जाए तो इनफाइनाइट जो है बैंडविड्थ इसका लग रहा है देखने में। तो कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल कैन बी ट्रीटेड एज सुपरपोजिशन ऑफ मेनी साइनसॉइडल हार्मोनिक वेव्स, है ना। और इसलिए इट हैज इनफाइनाइट बैंडविड्थ बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस सम फाइनाइट बैंडविड्थ आर यूज्ड। तो अभी हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं उनके लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंजेज है वो भी डिफरेंट है। जैसे टेलीफोन के लिए अलग फ्रीक्वेंसी का रेंज है, म्यूजिक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी का रेंज है, पिक्चर और वीडियो के लिए अलग फ्रीक्वेंसी का रेंज है, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल हैं जिनका फ्रीक्वेंसी का रेंज भी डिफरेंट है, तो इनको डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम से भेजा जाता है यूजर तक, है ना। वो इसलिए क्योंकि डिफरेंट तरीके का जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मीडियम की, तो तीन तरह के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। एक लाइन कम्युनिकेशन होता है, लाइन कम्युनिकेशन का जैसे मैं बात करूं फोन वाला जो है केबल से हम लोग बातें करते हैं, केबल से जुड़े होते हैं यूजर और सोर्स, है ना। और आपने देखा होगा कि सबके घरों में केबल आता है, टीवी से जुड़ा होता है केबल, ठीक है। तो वो जो है उसको हम लोग कहते हैं लाइन कम्युनिकेशन। एक दूसरा कम्युनिकेशन होता है रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ब्रॉडकास्ट किया जाता है, है ना, मतलब कि जो फ्री स्पेस है उसको एज ए ट्रांसमिशन मीडियम यूज किया जाता है। और एक होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर जो सिग्नल है उसको लाइट पल्स के फॉर्म में भेजा जाता है। तो ये तीन कम्युनिकेशन के मीडियम है, या कहें कि ट्रांसमिशन के मीडियम है, इनका बैंडविड्थ कितना होता है इसको हम लोग अभी यहां पर देखेंगे। जैसे बात करें लाइन कम्युनिकेशन की, तो लाइन कम्युनिकेशन में मेनली कोएक्सियल केबल यूज किया जाता है। कोएक्सियल केबल जो है एक्चुअली में जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन लाइन में यूज किया जाता है, या जैसा मैंने बताया कि घरों में जो टीवी चलता है उसमें केबल यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो बैंडविड्थ है वो होता है 18 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 18 × 10^3 मेगाहर्ट्ज, ऐसा कर सकते हैं, है ना।
रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसमें डिफरेंट तरीके के ब्रॉडकास्ट के लिए डिफरेंट बैंडविड्थ जो है वो होता है। जैसे कि हम बात करें एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट की, आपने देखा होगा कि जो रेडियो होता है उसमें एएम और एफएम होते हैं, तो एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो होता है 540 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज तक। एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है या फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो होता है 88 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज तक। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज तक, है ना। मोबाइल फोन जो होते हैं उसके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 896 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 935 मेगा हर्ट्ज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो होता है 5.925 गीगाहर्ट्ज टू 4.2 गीगाहर्ट्ज, है ना। जैसे कि हम बात करें किसी म्यूजिक चैनल की बात करते हैं, जैसे ये एएम जो है रेडियो वाला, रेडियो से कोई म्यूजिक चैनल हमें खोलना है तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे एएम है ये एक ब्रॉडकास्ट होता है तो इसमें कितने म्यूजिक चैनल खोले जा सकते हैं। हमें पता है किसी भी म्यूजिक चैनल को खोलने के लिए उसके लिए बैंडविड्थ कितना जरूरी होता है। देखें यहां पर म्यूजिक सिग्नल जो होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो है 20 किलो हर्ट्ज, मतलब ये कह सकते हैं कि इस रेंज में जो सिग्नल्स होते हैं म्यूजिक के वो हो सकते हैं। तो यहां पर जो रेंज दिया गया है इस एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए वो दिया गया है 540 किलो हर्ट्ज और 1600 किलो हर्ट्ज के बीच में, है ना। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं इसका, यह आएगा 1600 माइनस 540 किलो हर्ट्ज, इतना जो है इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज है, है ना। अब हम ये जानना चाहते हैं इसमें कितने 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एकोमोडेट हो सकती है। मैं इसमें 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूंगा तो ये जो नंबर है ये आ जाएगा करीब 53। मतलब ये कह सकते हैं कि 20 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ वाले अगर मैं म्यूजिक चैनल खोलना चाहता हूं तो 20 × 53 मैं 53 चैनल खोल सकता हूं। 53 जब करूंगा तो ये जो रेंज है ना इनका, इस रेंज के इक्वल आएगा, यानी 1600 माइनस 540 के इक्वल आ जाएगा। मतलब हर म्यूजिक चैनल को इतना फ्रीक्वेंसी विड्थ दिया जाएगा तो ऐसे इतने फ्रीक्वेंसी रेंज वाले ऐसे 53 चैनल इसमें खोले जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट है इसमें हम पता कर सकते हैं कि कितने चैनल खोले जा सकते हैं। पता करना हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी विड्थ में 20 से डिवाइड कर देंगे, है ना। इसी तरह से टेलीविजन के लिए हम लोग चैनल डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लाइन कम्युनिकेशन का तो इसमें एक सिग्नल के लिए या एक चैनल के लिए 750 मेगाहर्ट्ज जो है ऑफर किया जाता है। इट ऑफर्स 750 मेगाहर्ट्ज फॉर अ चैनल और सिग्नल। तो मैं जानना चाहता हूं इसका जो बैंडविड्थ दिया हुआ है इतना मेगाहर्ट्ज, इसमें इतने मेगाहर्ट्ज के जो है कितने चैनल खोले जा सकते हैं। तो मैं इसमें डिवाइड करूंगा, इसका फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है जो ये देता है 18000 हो गया, और हमें एक चैनल के लिए 750 मेगाहर्ट्ज का रेंज चाहिए। तो इसमें मतलब 18000 में कितने 750 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी एकोमोडेट हो सकती है, तो इसको डिवाइड करेगा तो 24 आएगा। मतलब कि इसमें 24 चैनल खोले जा सकते हैं, या कहें कि 24 सिग्नल भेजे जा सकते हैं एक टाइम पर, है ना। या जैसे एएम रेडियो वेव है इसमें अपना नंबर ऑफ चैनल आया 53, मतलब एक टाइम पर 53 साउंड्स उसमें भेजे जा सकते हैं, है ना। 53 तरीके के जो स्टेशन है वो काम कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर जो सिग्नल होते हैं उनको लाइट पल्स के फॉर्म में भेजा जाता है। हमें पता है कि जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है बहुत ही कम होता है, एंगस्ट्रम में होता है,
है ना, तो उसका वेवलेंथ कम होता है तो उसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होता होगा। फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है कि इसका जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो बहुत ज्यादा है। फ्रिक्वेंसी बैंड बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें खूब सारे चैनल खोले जा सकते हैं, है ना। तो कह सकते हैं इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिग्नल्स आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्स सिंस लाइट हैज वेरी स्मॉल वेवलेंथ सो ऑप्टिकल फाइबर हैज लार्ज फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। बैंड विड्थ सो लार्ज नंबर ऑफ चैनल कैन बी टेलीकास्ट एट ए टाइम। ठीक, तो यहां पर हम लोग जो तीन टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर रहे थे इसमें हम लोग स्पेशली रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो कैरियर वेव होता है उसको कई तरीके से प्रोपेगेट कराया जा सकता है। जैसे जो ट्रांसमीटर होता है वो रेडियो वेव वहां से इमिट करता है, रेडियो वेव का मतलब कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वहां से इमिट करता है, और वो जो है उसको जो रिसीवर एंड होता है रिसीवर तक पहुंचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे मेथड हो सकते हैं। तो वही सारे हम लोग मेथड्स देखेंगे। इसमें बेसिकली तीन मेथड होते हैं, और पहला मेथड होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का मतलब है कि जो रेडियो वेव है वो अर्थ सरफेस से करीब करीब टकराता हुआ चलता है ना, और इस तरह से वो रिसीवर तक पहुंचता है। इसमें होता क्या है कि रेडियो वेव फ्रॉम ट्रांसमीटर मूव अलोंग अर्थ सरफेस टू रीच टू रिसीवर, है ना। और इसके लिए चूंकि इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है बहुत ही कम होता है ना, फ्रीक्वेंसी बैंड जो होता है जिसे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए वो बहुत ही कम होता है। वेव्स ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज यहां पर जैसे मैंने बात किया एम वेव का, है ना, वो है 540 किलोहर्ट्ज टू 1600 किलोहर्ट्ज आर ट्रांसमिटेड बाय दिस मेथड। इसका मतलब यह हुआ कि जो एम वेव्स होते हैं, एम्स ब्रॉडकास्ट का मैंने यहां पर बात किया था, आप देखें यहां पर एम रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 540 किलोहर्ट्ज़ टू 1600 किलोहर्ट्ज़। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज वाले जो वेव्स होते हैं वो इस तरीके से ग्राउंड वेव का प्रोपेगेशन का जो तरीका है इस तरीके से ट्रांसमिट किए जाते हैं, है ना। इस मेथड में होता क्या है कि जो रेडियो वेव है वो पोलराइज हो जाता है। रेडियो वेव्स आर
पोलराइज्ड वर्टिकली एंड दीज वेव्स इंड्यूस करेंट इन ग्राउंड. और चूंकि करंट जो है ग्राउंड में इंड्यूस हो गया तो उससे क्या होता है, कुछ एनर्जी जो है वो ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. सो सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द ग्राउंड सो strength of signal weakens as it moves ahead. है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जो है वेव आगे की तरफ बढ़ता है तो चूंकि कुछ एनर्जी उसमें से अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है तो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे घटने लगता है. और इस सिग्नल का स्ट्रेंथ घटने का जो अमाउंट है वो और बढ़ जाता है जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वेव होगा तो उतनी जल्दी जो है स्ट्रेंथ घटता है. ठीक है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव है वो इस मेथड से ट्रांसमिट नहीं किए जाते हैं. कह सकते हैं कि weakening of strength of signal decreases with increase in frequency of wave. So high frequency waves are not transmitted by this method. है ना, मतलब कि ये जो प्रोपेगेशन का जो तरीका है ये कुछ किलोमीटर तक ही रहता है. बहुत ज्यादा दूर ले जाना हो तो चूंकि स्ट्रेंथ घटने लगता है इसलिए ये मेथड जो है वो यूज नहीं किया जाता है. दूसरे तरह का जो वेव प्रोपेगेशन का जो मेथड होता है उसको कहते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन. उसमें जो है अर्थ का जो आयनोस्फेयर है उसका हम लोग यूज करते हैं. आयनोस्फेयर क्या है कि अर्थ का जो एटमोस्फियर है उसके अंदर ऊपर एक ऐसा लेयर है जहां पर आयंस बहुत ज्यादा है. है ना, होता क्या है कि ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और जब सन से लाइट रेज आती है तो उनकी इंटेंसिटी ऊपर बहुत ही ज्यादा होती है. बहुत ही ज्यादा होती है तो क्या करती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एटम्स होते हैं उनको आयनाइज कर देता है. तो ऊपर जो है एक ऐसा लेयर मिलता है जहां पर आयंस का नंबर जो है बहुत ही ज्यादा है, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा है, उसको आयनोस्फेयर कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो स्काई वेव प्रोपेगेशन में कोई रेडियो वेव जब ट्रांसमीटर एंटीना से चलता है तो वो आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जो है नीचे आता है, फिर वहां पर रिसीवर एंटीना के पास पहुंच जाता है ना. तो इसमें कहा जाता है कि रेडियो वेव फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना मूव्स टू रिसीवर एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयनोस्फेयर ऑफ अर्थ्स एटमोस्फेयर. ठीक है, ये आयनोस्फेयर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ सरफेस है
ऊपर एक लेयर होता है जहां पर आयंस बहुत ही ज्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं आयनोस्फेयर। तो एक जो है यहां पर ट्रांसमीटर एंटीना है जहां से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है ना, ये हो गया ट्रांसमीटर एंटीना। और इधर है कहीं पर, इधर है रिसीवर एंटीना। तो इसमें डायरेक्ट यहां से वेव यहां नहीं पहुंच सकता, तो होता क्या है कि ये जाता है और आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास पहुंचता है ना। कई बार क्या होता है कि अर्थ का सरफेस का जो कर्वेचर है इसको डायरेक्ट यहां से यहां जाने नहीं देता, तो ये जा करके यहां से रिफ्लेक्ट होकर के जाता है ना। अब इसमें हमने क्या देखा था, इसमें कहा गया था ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में कि जो रेडियो वेव फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना, ट्रांसमीटर एंटीना से जो वेव निकलता था वो अर्थ सरफेस के अलोंग मूव करता था, मूव अलोंग अर्थ सरफेस टू रीच द रिसीवर एंटीना, है ना। तो ये अर्थ के सरफेस के अलोंग मूव करता था, तो अर्थ के सरफेस के अलोंग मूव करेगा तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, जैसे देखेंगे यहां से यहां नहीं जा सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है ना। तो आगे जा नहीं सकता क्योंकि इसको सीधा जाना है, इसका कर्वेचर जो है इसको रोक लेता है। तो ये जो स्काई वेव प्रोपेगेशन है उसका रेंज ज्यादा होता है, मतलब कि ये जाता है ऊपर और आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर एंटीना तक जाता है। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक जो है आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन बाय दिस मेथड। मतलब ऐसे रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होती है उनको इस मेथड से ट्रांसमिट किया जाता है। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ये आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के जाता है, तो इसका रेंज ज्यादा है, ज्यादा दूर तक ये जो है इससे मैसेज को ट्रांसफर किया जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल अप टू 90 किलोमीटर। तीसरे टाइप का जो प्रोपेगेशन का मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेस वेव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है, जो भी रेडियो वेव ट्रांसमीटर एंटीना से इमिट होते हैं वो डायरेक्टली जो है सीधे लाइन ऑफ साइट के अलोंग चल करके रिसीवर एंटीना तक पहुंचते हैं, है ना। इस मेथड में रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना मूव डायरेक्टली अलोंग लाइन ऑफ साइट टू द रिसीवर एंटीना। इस मेथड से जो है 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वेव जो है वो प्रोपगेट या ट्रांसमिट कराए जाते हैं। तो कह सकते हैं वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी एवर 40 मेगाहर्ट्ज आर ट्रांसमिटेड बाय दिस मेथड। मतलब जो भी लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन होते हैं या जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो भी लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन होता है वो इसी मेथड से कराए जाते हैं, है ना।
तो हमने क्या सीखा कि जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन था उसमें फ्रीक्वेंसी का जो रेंज था वो था कहीं 540 से 1600 किलोहर्ट्ज़ तक, और ये जो हमने पढ़ा स्काई वेव प्रोपेगेशन इसमें फ्रीक्वेंसी का जो रेंज था वो था 2 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक, और जो स्पेस वेव प्रोपेगेशन है इसमें फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो 40 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर के वेव्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें हमें कई बार ये पता करना होता है कि जो ट्रांसमीटर एंटीना है और जो रिसीवर एंटीना है उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीनास है ना, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लिया कि ये जो है ये अर्थ है ना, ये अर्थ है और यहां पर जो है ये एक ट्रांसमीटर एंटीना है और यहां पर एक रिसीवर एंटीना है। तो यहां से डायरेक्ट मैं एक वेव भेजता हूं, ये जस्ट जो है ग्राउंड को टच करता हुआ जा रहा है, ये जो है ये अर्थ है। ठीक, अर्थ का जो सेंटर है वो कहीं यहां पर है। तो अगर मान लिया जाए कि ये जो है ये रिसीवर एंटीना है, रिसीवर एंटीना, और ये जो है ये है ट्रांसमीटर एंटीना। ठीक है, इसका हाइट मान लेते हैं कि एच टी है और इसका हाइट मान लेते हैं एच आर है रिसीवर एंटीना का। ठीक, अब अर्थ का जो सेंटर है वो ये है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है अर्थ का रेडियस के इक्वल होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये भी अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। ये टोटल हाइट जो है एच प्लस आर प्लस एच टी लिख सकते हैं, ये जो टोटल हाइट है इसको आर प्लस एच आर लिख सकते हैं ना, और ये जो है ये आर के इक्वल होगा। तो ये हो गया ट्रांसमीटर एंटीना और ये हो गया रिसीवर एंटीना, दोनों के बीच का जो मैक्सिमम सेपरेशन है वो होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे मैं मान लूं कि ये है डी वन और ये है डी टू। ठीक, हो सकता है दोनों जो एंटीनाज हैं उनका हाइट डिफरेंट हो, इसलिए मैंने डिफरेंट हाइट लिया, इसका एच टी लिया, इसका एच आर लिया है ना। तो अगर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच टी का होल स्क्वायर है ना, डी वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डी वन का स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है इसमें, इज इक्वल टू होना चाहिए एच टू एच टी प्लस आर का होल स्क्वायर है ना। तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं एच टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू एच टी इंटू आर। ये ध्यान रखना है कि इस स्पेस वेव प्रोपेगेशन में जो एंटीनाज यूज किए जाते हैं उनका हाइट बहुत ही कम होता है ना, तो एच टी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, मतलब अर्थ का जो रेडियस है उससे बहुत छोटे होते हैं इस एंटीना के हाइट। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि एच टी तो छोटा है, यहां पर एच टी स्क्वायर है, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं। अगर इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो देखेंगे यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा डी वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस टू एच टी इंटू आर। तो यहां से आर स्क्वायर और यहां से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो डी वन का वैल्यू आएगा अंडर रूट टू एच टी इंटू आर। उसी तरह से जो राइट साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जब इसको इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो डी टू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा अंडर रूट टू एच आर इंटू आर है ना। जैसे इसमें टू एच टी इंटू आर आया, इसमें टू एच आर इंटू आर आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग कहेंगे डी वन प्लस डी टू है ना, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस हमें निकालना था
मैक्सिमम डिस्टेंस, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी वन प्लस डी टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच टी इंटू आर प्लस अंडर रूट टू एच आर इंटू आर। इसमें ध्यान रखना है कि एच टी और एच आर जो है ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीवर एंटीना के हाइट है, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। ये रेडियस ऑफ अर्थ, एच टी भी आर से छोटा होगा और एच आर जो है ये भी रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही छोटा होगा। अगर हमें ये पता करना हो कि ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तक स्पेस वेव प्रोपेगेशन से सिग्नल भेजे जा सकते हैं, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये अर्थ का फिगर बनाएंगे। यहाँ पर मान लिया कि एक एंटीना है ना, और यहाँ से ट्रांसमिशन जो है वो हो रहा है। तो जैसे ये अर्थ का सेंटर हो गया, अब यहाँ से कोई वेव चलेगा सीधा तो ये कहाँ तक जाएगा, ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट आ गया, इसके आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ से मैं ये रेडियस ड्रा करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो ये जो सिग्नल है वो यहाँ से चला था ट्रांसमीटर एंटीना से, और यहाँ से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ये पहुँच सकता है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें पता करना है, ये है डी मैक्सिमम, ये हो गया आर के इक्वल, ये भी आर हो गया, और ये जो है ये टावर का हाइट है ना, ये हाइट ऑफ टावर हो गया। तो चूंकि यहां पर देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे डी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस आर का होल स्क्वायर। एक्चुअली में ये ट्रांसमीटर एंटीना का हाइट है, तो ट्रांसमीटर एंटीना का हाइट लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब चूंकि h प्लस आर का होल स्क्वायर है, इसको मैं ब्रैकेट को हटाता हूँ, तो लिखेंगे एच टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू एच टी इंटू आर। जैसा कि हमें पता है कि जो हाइट होता है एंटीना का वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा होता है, तो इसमें ये जो एच टी स्क्वायर है इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ध्यान रखना है कि एच टी तो यहां भी है लेकिन यहां पर स्क्वायर है ना, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। इस केस में भी हमने एच टी स्क्वायर को निगलेक्ट किया था और यहां भी एच टी था, लेकिन हमने क्या किया कि चूंकि यहां पर एच टी है और यहां पर एच टी का स्क्वायर है, छोटे का अगर स्क्वायर कर देंगे छोटे टर्म का तो और बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए स्क्वायर वाले को नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग और दूसरे वाले को नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़े टर्म से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है साथ में। तो अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, डी मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया इसको, प्लस टू एच टी इंटू आर। तो यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया डी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच टी इंटू आर ना। तो ज्यादा से ज्यादा इतने दूर तक जो है सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सकता है।